हेलो स्टूडेंट, आज हम लाइब्रेरी साइंस में आज हमारा टॉपिक है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में चर्चा की थी, आज हम एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के बारे में यही चर्चा करेंगे कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का प्रथम एडिशन कब आया। ठीक है, किसके द्वारा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका की स्थापना की गई, इसका प्रकाशक कौन है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ये कहां से प्रकाशित होता है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, और एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की वॉल्यूम कितने वॉल्यूम, कब कब कितने वॉल्यूम रहे, वर्तमान में कितने वॉल्यूम है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है। आप क्या है, पहले तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर उसके बाद में इसका मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा विश्वकोश का उदाहरण है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना अंग्रेजी भाषा का एक सबसे बड़ा विश्वकोश का उदाहरण है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या एक संदर्भ स्रोत है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना एक संदर्भ स्रोत है जिसे पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखा जाता है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका दोनों ही संदर्भ स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, दोनों ही संदर्भ स्रोत के उदाहरण है और दोनों को ही पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में रखा जाता है। दोनों का ही उपयोग पाठक के द्वारा कोई प्रश्न पूछने पर तो उसका निस्तारण करने के लिए दोनों को ही एक संदर्भ स्रोत के रूप में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या एक सामान्य विश्वकोश का उदाहरण है। विश्वकोश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सामान्य विश्वकोश और दूसरे होते हैं हमारे विशिष्ट विश्वकोश। तो हमारे जो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और ब्रिटेनिका, ये दोनों ही है सामान्य विश्वकोश के उदाहरण है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस प्रकार का विश्वकोश के उदाहरण है, तो ये क्या है कि सामान्य विश्वकोश का उदाहरण है। ठीक है, उसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है, एक मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश का उदाहरण है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका दोनों ही मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश के उदाहरण है। ठीक है, मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश बोल सकते हैं हम, या तो या हम इसको भी बोल सकते हैं कि बहुखंडीय ग्रंथों के उदाहरण है, क्योंकि ये खूब सारे मतलब अलग अलग खंडों में प्रकाशित होते हैं ना। जैसे हमारा जो ब्रिटेनिका है वो 32 खंडों में आ रहा है और ये आ रहा है 30 खंडों में, तो इसलिए क्या ये बहुखंडीय ग्रंथ के उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या एक मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश के उदाहरण है, मल्टी वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया के उदाहरण है दोनों के दोनों। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और अमेरिकाना। अब हम बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के क्या है, सर्वप्रथम इसके प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ तो जर्मन भाषा में कुछ लेख लिखे हुए थे, उन लेखों को क्या किया, अंग्रेजी भाषा में उनका रूपांतरण किया गया और उसके बाद में एनसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण को प्रकाशित किया गया सबसे पहले। ठीक है, सर्वप्रथम जर्मन भाषा के कुछ जो लेख थे उन लेखों को अमेरिका अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण करके एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का निर्माण किया गया। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के अगर हम प्रथम संस्करण की बात करें तो प्रथम संस्करण इसका 1829 से 1833 तक प्रकाशित हुआ है। ठीक है, हमारा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण 1829 से 1833 तक प्रकाशित हुआ है। उसके बाद में जो प्रथम संस्करण था इसका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो प्रथम संस्करण था वो 13 मतलब कि अगर कितने खंडों में था, 13 खंडों में। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण 1829 से 1833 तक प्रकाशित हुआ, प्रथम संस्करण 13 खंडों में प्रकाशित हुआ है, 13 वॉल्यूम थे। उसके बाद में प्रथम संस्करण का प्रकाशन यानी अमेरिका एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो प्रथम संस्करण है उसका उसको संपादित किसने किया, उसको संकलित किसने किया, तो उसका निर्माण या संकलित जो भी संपादित किया है वो फ्रांसिस लीबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के प्रथम संस्करण का संपादन फ्रांसिस लीबर के द्वारा किया गया। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशक कौन है, अगर हम इसके प्रकाशक की बात करते हैं तो इसका प्रकाशक है न्यूयॉर्क गोलियर, यानी गोलियर के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रकाशक हो गया। अब बात करें हम एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहां से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना न्यूयॉर्क से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क से प्रकाशित हो रहा है और इसकी अगर इसकी लैंग्वेज पूछी जाएगी किस भाषा में प्रकाशित होता है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है। अब हम बात करें कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के खंड या वॉल्यूम कब से कब तक रहे, तो जब 1829 में इसका प्रथम संस्करण आया था तो ये 13 वॉल्यूम में था। ठीक है,
उसके बाद में 1903 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ और इसके वॉल्यूम हुए 16, ठीक है। उसके बाद में 1912 में क्या है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का जो संस्करण है, 1912 का संस्करण है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का जो 1912 का जो संस्करण आया है वो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के नाम से प्रकाशित न होकर ओनली अमेरिकाना के नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो 1912 में जो मतलब कि जो 1912 का जो संस्करण आया था वो एनसाइक्लोपीडिया के नाम से ना कर ओनली सिर्फ अमेरिकाना के नाम से प्रकाशित हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के ऑनलाइन प्रकाशन की, तो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रकाशन 1997 में हुआ। 1997 में क्या किया गया कि विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय और हमारी जो सार्वजनिक पुस्तकालय था उन सभी पुस्तकालयों को ध्यान में रखते हुए इसका प्रकाशन ऑनलाइन किया गया 1997 में, ठीक है। 1997 में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रकाशन शुरू हुआ। उसके बाद में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को 2000 में न्यूयॉर्क गोलियर के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। अब यही इसका प्रकाशन कर रहा है, ठीक है, न्यूयॉर्क गोलियर। और वर्तमान में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 30 वॉल्यूम में प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में ये क्या है, 30 वॉल्यूम में आ रहा है। अब एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के अब हम अंतिम प्रिंट संस्करण, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का अंतिम प्रिंट संस्करण आपको पूछा जाए कि अंतिम प्रिंट संस्करण किस सन में आया था, तो 2006 के बाद में अब ये ऑनलाइन ही आ रहा है, प्रिंट रूप में आना बंद हो गया है, ठीक है। अंतिम प्रिंट संस्करण बंद हो चुका है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका का अंतिम प्रिंट संस्करण बंद हो गया 2006 से, ठीक है, 2006 से ये बंद हो चुका है। अब उसके बाद में ये प्रिंट रूप में नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑनलाइन आ रहा है। पर आपको ये ध्यान रखना कि 1997 में ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था और 2006 तक ऑनलाइन भी है और प्रिंट रूप में भी आया इसका एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1997 में ऑनलाइन शुरू हुआ और वो 2006 तक ऑनलाइन और प्रिंट दोनों रूप में है। उसके बाद में 2006 में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रिंट संस्करण बंद हो गया है, अब ये सिर्फ ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वर्तमान में ये क्या है, 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हो रहा है। उसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को अपडेट रखने के लिए, ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को प्रतिवर्ष अपडेट किया जाता है, इसको हर साल, ठीक है। और इसको अपडेट रखने के लिए अमेरिकाना एनुअल एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इवेंट्स का प्रकाशन हो रहा है, ये इसको हर साल इसके द्वारा इसको अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसके बाहर से आपके किसी भी एग्जाम में, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, ठीक है, और उसके अलावा अभी जो केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएस भी है, किसी भी एग्जाम में इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना पर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। तो हमारा ये एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं।